दीक्षित जी आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। कम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है। राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? चिंचल और धवल चरित्र राजीव भाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बात है। कॉफी में क्वालिटी नहीं है, जहर है। क्या जहर है जानते? चाय में एक जहर होता है उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में एक जहर होता है उसका नाम है कैफीन। ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर हैं जो कैंसर कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सवेरे ही सवेरे जहर पीते और कहते हैं क्वालिटी पी रहे हैं। और क्या करते हैं, खुद तो पी रहे हैं, मरेंगे, मेहमान को भी मार रहे हैं पिला पिला के चाय। क्योंकि जब भी मैं किसी के घर में जाता हूं सबसे पहले पूछते हैं राजीव भाई चाय पिएंगे? मैं कहता हूं नहीं पिएंगे। कॉफी पिएंगे? मैं कहता हूं नहीं पिएंगे। तो क्या पिएंगे फिर? कोई नहीं पूछता राजीव भाई गाय का दूध पिएंगे या दही की ताक पिएंगे या लस्सी पिएंगे या नारियल का पानी पिएंगे? एक बार बंबई में मैं गया, मेरे एक परिचित हैं करोड़पति व्यक्ति, तो मैंने उनसे घर में जैसे ही घुसा तो उनकी पत्नी ने पूछा चाय कॉफी पिएंगे? मैंने कहा नहीं पीऊंगा। तो कहने लगी क्या पिएंगे? मैंने कहा नारियल का पानी पिलवा दीजिए। कहने लगा वो नहीं है हमारे। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहा राजीव भाई नारियल का पानी ऑफर करने में शर्म आती है, माने चाय कॉफी जैसा जहर पिलाने में शर्म नहीं आती, नारियल का पानी पिलाने में शर्म आती है। मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए? उनका मुझे नहीं मालूम। सच्चाई यह है कि हम में से किसी को नहीं मालूम कि चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए। चाय कॉफी पीनी चाहिए उन लोगों को जो बहुत ठंडी में रहते हैं, माने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तमाम उन देशों में भयंकर ठंडी पड़ती है। साल में 9 महीने भयंकर ठंडी पड़ती है, 6 महीने तो बर्फ जमी रहती है। उन लोगों को चाय कॉफी की जरूरत होती है क्योंकि ठंडी ज्यादा पड़ती है और चाय कॉफी दोनों बहुत गर्म चीजें हैं। हमारे यहाँ क्या होता, हमारे यहाँ साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है। तो जिस देश में साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है उसमें और गर्म चाय और कॉफी पी रहे माने सत्यानाश कर रहे हैं। और क्या सत्यानाश कर रहे हैं? अपने शरीर का, और अपने शरीर के साथ साथ देश का। देश का क्या सत्यानाश कर रहे हैं? परदेशी कंपनियां आपके देश में चाय कॉफी बेच रही है। पता है क्या होता, चाय हमारे देश के किसान पैदा करते, कॉफी भी हमारे देश के किसान पैदा करते। ये परदेशी कंपनियां क्या करती हैं, हमारे किसानों से चाय खरीदती हैं 24 रुपए में किलो, और वो 24 रुपए किलो की चाय जो खरीदते हैं किसानों से उसको हमें बेचते हैं 125 रुपए में एक किलो। माने बीज का मुनाफा चला गया सब परदेशी कंपनियों। क्या होता है, हर साल ये कंपनियां हमारे देश में 70 करोड़ किलोग्राम के आसपास चाय कॉफी बेचते हैं और हजारों करोड़ रुपया कमा के ले जाते हैं। आपको मालूम है हम एक साल में जितनी चाय कॉफी पी लेते हैं उतने में हमारे देश का 5,600 करोड़ रुपया विदेशी कंपनियों के हाथ में चला जाता है। तो सवेरे ही सवेरे हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का 5,600 करोड़ परदेशी कंपनियों के हाथ में हम दे देते हैं, फिर कहते हैं भारत माता की जय। कहां से भारत माता जिंदा रहने वाली है? तो मैं आपसे निवेदन करने आया कि ये चाय कॉफी की अंग्रेजियत छोड़िए। तो आप पूछेंगे क्या पिए? हिंदुस्तानी बनिए, गाय का दूध पीजिए। गाय के दूध से बढ़िया दूसरी कोई चीज नहीं है पीने के लिए। तो आप पूछेंगे क्यों? अगर आप 5,600 करोड़ रुपए की चाय कॉफी पी रहे हैं, इतने ही पैसे का अगर गाय का दूध बिकना शुरू हो जाए इस देश में, तो कम से कम 1 करोड़ गाय पालनी पड़ेगी। और 1 करोड़ गाय अगर पालनी पड़ेगी तो 25 लाख गोपालक चाहिए, क्योंकि 4 गाय एक आदमी देख सकता। तो 25 लाख गोपालक अगर चाहिए तो 25 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है उतने ही पैसे में जितने में हम चाय कॉफी पीकर हिंदुस्तान की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप अपने शरीर को बर्बादी से बचा सकते हैं और हिंदुस्तान के 25 लाख लोगों को रोजगार दे सकते हैं 5,600 करोड़ का अगर गाय का दूध पीना शुरू करें। और एक दूसरी बात कि अगर 1 करोड़ गाय हम पालें और उसमें से इतना दूध पैदा हो तो हर गाय एक साल के अंदर खड़े खड़े 25,000 रुपए का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा करती है। गोबर जो देती है उसमें से 25,000 रुपए का खाद बनता एक गाय से। तो हर साल हिंदुस्तान में 25,000 करोड़ रुपए का खाद पैदा होगा। ये 25,000 करोड़ रुपए का खाद आपके देश के किसानों के काम में आएगा और उस खाद से जो गेहूं पैदा होगा, चावल चना पैदा होगा, उसका टेस्ट आप भूल गए हैं क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर भर भर के आपने खेत का नाश कर दिया। तो हम गाय का दूध पिएंगे, 5,600 करोड़ का दूध बिकेगा, 25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 25,000 करोड़ का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पैदा होगा। ये सब काम इस देश में हो जाएंगे। एक छोटा सा काम आपको करना है, अंग्रेजियत को छोड़िए, चाय कॉफी बंद करिए। उसके बाद आप अगर चाय कॉफी बंद करेंगे तो गाय का दूध, नारियल का पानी, संतरे का रस, मौसमी का रस, ये सब पिएंगे। संतरे का रस पिएंगे तो पैसा किसान के पास जाएगा, मौसमी का रस पिएंगे तो भी पैसा किसान के पास जाएगा, नींबू का शरबत पिएंगे तो भी पैसा किसान के पास जाएगा। माने चाय कॉफी छोड़कर आप कुछ भी पिएंगे भारतीय व्यवस्था का, तो पैसा देश का देश में ही रहेगा और हमारे ही किसान के पास जाएगा।